बागपत में हुए लोहे व्यापारी के अपहरण के मामले में आदेश जैन को पुलिस ने महज 12 घंटों में सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल सुबह लोहे व्यापारी आदेश जैन को दुकान पर जाते समय अपहरण किया गया था, जिसको लेकर परिजनों से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसको चलते बागपत से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया था, जिसको लेकर 8 टीम पुलिस ने बनाई थी, जिसमें हरियाणा सोनीपत की भी एक टीम थी, जिसको लेकर 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खेकड़ा थाना क्षेत्र के रटोल गांव से व्यापारी आदेश जैन को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले पर खुद एडीजी मेरठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस घटना में जो पूरा एनालिसिस से ये पता लगता है कि ये शर्तिया है कि एक से अधिक टीम यूज हुई है, एक टीम जो इनको अपने साथ गाड़ी में लेके गई और दूसरी टीम जो शायद कुछ और चीजें मैनेज कर रही थी। हालांकि पुलिस ने व्यापारी को तो सकुशल बरामद कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी का अपहरण करके कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, यानी बागपत में अपराध किस चरम पर बेखौफ बदमाशों के द्वारा किया जा रहा है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। लाइव जनादेश के लिए देवेंद्र चौहान, बागपत।